पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। डेस्कॉन ऑक्सीकैम अगर इसका रिजल्ट देखें जी, तो इन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर सेल्स देखें, सेल्स कम हुई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी 3 टाइम्स कम हो गया है। 8 के मुकाबले में 2.69 की अर्निंग आई है। अब चल के इसका ट्रेंड देखते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया, जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। डॉल को देखें जी, तो सेल्स इसकी इस मरतबा हल्की सी कम हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा बेहतर हुआ है, नेट प्रॉफिट कम हुआ है और ईपीएस को बहुत अच्छी नहीं चल रही। और इसका टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक है, तो जब टेक्सटाइल सेक्टर रिवाइव होगा तो प्रॉबेबली ये भी तभी साथ रिवाइव होगा। और इसकी अगर फॉर द टाइमिंग हम यही अज्यूम करते हैं कि 25 में भी 2.5 रुपये की ईपीएस होगी और 2 रुपये का डिविडेंड देंगे, तो उस हवाले से प्राइस अर्निंग तो थोड़ी ज़्यादा है, तकरीबन 8-8.5 है, और डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन बनेगी 10%। तो उसमें हमारे Tier 2 स्टॉक के बिल्कुल शुरू में आ जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लेकर रखना चाहें तो रखा जा सकता है, लेकिन जब तक प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव नहीं होती तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने का इरादा नहीं रखते। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तजिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पर तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।